हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर रोशन फार्मेसी चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द बी फार्मेसी एंड डी फार्मेसी। सो डी फार्मेसी जो कि हमारा 2 इयर्स का कोर्स होता है, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश, सबसे बड़ी बात लोगों के मन में ख्याल आता है कि डी फार्मेसी कोर्स हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो अगर इंग्लिश से लिखते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है फार्मेसी के अंदर फील्ड में। अदरवाइज़ अगर इसे इंग्लिश नहीं आ पा रहे जो बच्चे वीक हैं, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत आर लैंग्वेज अवेलेबल होता है। ठीक है, हिंदी में अगर आ रहा है तो टॉपिक फुल हिंदी में लिखिए, ये नहीं कि अब इसमें बीच में मिक्सअप कर दिया कि इंग्लिश भी कर दिया हिंदी भी कर दिया। तो ना एक लैंग्वेज लेके चलें, हिंदी में लिखना हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखें, मतलब एक क्वेश्चन आ गया तो उसको एक ही लैंग्वेज में पूरा ख़त्म करिए स्टार्ट से एंड तक। ठीक, अब बी फार्मेसी में क्या होता है, बी फार्मेसी में क्या होता है कि इंग्लिश ओनली इंग्लिश, हिंदी उसमें नहीं लिखना होता, क्योंकि हिंदी से उसमें पेपर नहीं आता है। ठीक, और पढ़ के जाइए, टॉपिक लिखिए, जो ना आए तो उसके बारे में ही लिखिए, ये नहीं कि अपने मन से बना के कुछ भी लिख रहे हैं। कुछ भी लिखने से पास नहीं हो जाते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, तो फार्मा मतलब क्या होता है, फार्माकोन मतलब उसका मतलब होता है जो ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, अब इसी बारे में लिखेंगे, ऐसा तो है ना कि पूछा फार्माकोलॉजी लिखने लगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। लोगों के बहकावे में ना आए कि कुछ भी लिख जाओ पास। हाँ, वो बात अलग है कि यूनिवर्सिटी खुद हो जाए तो लिखा अच्छा, अगर राइटिंग में अच्छा लिखा तो पास कर दे, वो तुम्हारे क्या बोले किस्मत में। ठीक है, बाकी जो टॉपिक पूछा जाए वही लिखिए। ठीक, जैसे फार्मेसी हो गया तो फार्मेसी वर्ड सबसे ज़्यादा मोस्टली वर्ड होते हैं ग्रीक वर्ड यूज करे जाते हैं, लेटिन वर्ड हो गया, फ्रांस वर्ड हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं ग्रीक वर्ड। कोई भी ले लीजिए, ड्रग है तो ड्रग्स लिखिए, ड्रग्स वर्ड से लिया गया है इसका मतलब तो ड्रग और मेडिसिन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द मेडिसिन या टू स्टडी अबाउट ड्रग, इसको बोलते हैं ड्रग। अब ड्रग किससे मिलके बना होता है, ड्रग मिलके बना होता है एक्सिपिएंट्स प्लस API। ठीक, एक्सिपिएंट्स मतलब होता है जो कि उसमें फ्लेवर मिलाए जा रहे हैं। ठीक, इससे मिलकर बना हुआ API मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स। ठीक, जो कि फार्मेसी मतलब जो फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स लगाए गए हैं, अब उनको मेडिसिन या कोई ड्रग को स्टेबल बनाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाते हैं, ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव मतलब होता है इसको ख़राब होने से बचाना। ठीक है, कितने समय तक चलता है, कंट्रोल करना। प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल पैराबिन हो गया या प्रोपिल अल्कोहल हो गया, बेंजिल अल्कोहल हो गया, अकॉर्डिंग टू द डाइट ड्रग मतलब जितनी रिक्वायर होगी उसके अकॉर्डिंग मिलाया जाता है। ठीक, तो उससे मिलकर पूरी ड्रग बनता है। बी फार्मा और डी फार्मा पास होना बहुत ईजी होता है, डोंट वरी, पढ़ाई में फोकस करिए, सब पास हो जाएगा। ठीक, बाकी जानकारी के लिए रोहन फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।